हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब है किस तरह से लाइफ जो है वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो शुरू हुई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। सबसे पहले जान लेते हैं इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन का मतलब होता है हेरिटेबल चेंजेस जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो मैं कह सकती हूँ सक्सेसिव जनरेशंस में किस तरह से हेरिटेबल चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन, या फिर उसे नाम दिया गया है इवोल्यूशन। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, ओरिजिनेशन बेसिकली। सो द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज वास्ट। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करूं, यूनिवर्स की बात करूं, तो काफी वास्ट है ये। और अगर मैं सिर्फ इस ब्रह्मांड में अर्थ की बात करूं तो एक तरह से अर्थ एक छोटा सा मार्क की तरह दिखेगा, एक छोटा सा स्पॉट की तरह दिखेगा पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स जो है वो बहुत पुराना है, कम से कम 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारे यूनिवर्स, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बड़े बड़े गैलेक्सीज का क्लस्टर्स है जो कि क्या बना रहा है, यूनिवर्स को फॉर्म कर रहा है। गैलेक्सीज में आपके स्टार्स आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, गैस और डस्ट के क्लाउड्स आ जाते हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पैक। फिर से मैं बताना चाहती हूं कि अगर एक ब्रह्मांड का साइज दिया जाए, एक यूनिवर्स का साइज दिया जाए, तो इसमें अगर मैं अर्थ के साइज की बात करूं तो अर्थ एक स्पेक की तरह, मतलब एक मार्क की तरह या एक स्पॉट की तरह दिखेगा। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से यूनिवर्स जो है उसका ओरिजिन हुआ है। It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical terms. तो ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, इसने बताया था एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, ओके? और उसे इस बिग बैंग थ्योरी ने फिजिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश की थी। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ओरिजिन हुआ था आपके यूनिवर्स का, आपकी लाइफ का। The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, methane CH4, NH3 ammonia, etc. In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar conditions in a laboratory scale. तो ये उस टाइम की बता रहे हैं, अर्थ पे कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि अर्थ पे हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे जो कि एटमॉस्फेयर को रिड्यूस कर रहे थे, जिसमें CH4 था, ओके? एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया था, ओके? 1953 में एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम था S.L. मिलर। इन्होंने यही सारी कंडीशंस, यही सिमिलर कंडीशंस को एक लैबोरेटरी स्केल में क्रिएट करने की कोशिश की थी। He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapor at 8000 degree Celsius. कितना ज्यादा टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज्ड फ्लास्क में CH4, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया और वाटर वेपर को क्या किया था, एक तरह से उनका एक्सप्लोजन कराया था 8000 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है इनके बेसिकली रिएक्शन की वजह से, ओके? इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ था, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था। और अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या, बाद में एक तरह से अगर मैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स की बात करूं, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स गिव यू प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने इतना ज्यादा 8000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया था, और फिर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट एंड फैट्स। अब ऐसे ही और तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और दूसरे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें शुगर्स का फॉर्मेशन भी मिल रहा है, शुगर्स भी बन रही हैं, नाइट्रोजन बेसेस भी बन रहे हैं, पिगमेंट्स भी बन रहे हैं और फैट्स भी बन रहा है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें देख सकते हैं आप, एक फ्लास्क है, इलेक्ट्रोड्स है, ओके, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, और एक यहाँ पे इन्होंने जो डाले थे CH4, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ओके, ये सब इन्होंने इस फ्लास्क के अंदर डाला था, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ था, और किस तरह से फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ था, बेसिकली अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ था। सो नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इस थ्योरी के तीन कोनोटेशंस हैं। पहला है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज या टाइप्स जो हम देखते हैं टुडे वर क्रिएटेड एज सच, वो इस तरह से फॉर्म हुए थे। दूसरा ये है कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो भी आप देख सकते हो, अलग अलग तरह के फॉर्म्स, लिविंग फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स, वो हमेशा से सेम रहे हैं जब से वो बने हैं, और वो फ्यूचर में भी सेम ही रहेंगे। उनका जो बेसिकली ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमेशा, ये जब क्रिएट हुई थी तब सेम थी, एक जैसी थी, और फ्यूचर आने वाले टाइम में भी ये बिल्कुल सेम रहेगी डाइवर्सिटी। तीसरा, अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, जो लिविंग फॉर्म्स हैं वो बेसिकली सिमिलैरिटी शो कर रही हैं, और वो सिमिलैरिटीज अलग अलग डिग्रीज पे शो हो रही है, ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के बीच में वो सिमिलैरिटी शो हो रही है अलग अलग डिग्री पे, बल्कि वो उन लाइफ फॉर्म्स के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले रहे हुए होंगे। मतलब वो लाइफ फॉर्म्स जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले रहे होंगे, उनके साथ भी लिविंग फॉर्म्स जो है वो सिमिलैरिटी शो कर रही है अलग अलग डिग्री पे। Many such life forms do not exist anymore. इनमें से बहुत सारी life forms ऐसी होंगी जो कि अब exist नहीं करती हैं। Another word used is fitness of the individual or population. एक और word उन्होंने use किया था चार्ल्स डार्विन ने, वो था fitness, individual की fitness या population की fitness। Fitness अगर देखिए, अगर बात की जाए डार्विन के according fitness क्या था, तो fitness refers ultimately and only to reproductive fitness. मतलब चार्ल्स डार्विन का मतलब था सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than others. इसका मतलब यह है, अगर जो बेटर फिट हो रहा है एनवायरमेंट में, जो वो बेटर तरीके से फिट हो रहा है एनवायरमेंट में, वो ज्यादा प्रोजेनी लीव करेगा, वो ज्यादा चिल्ड्रन लीव करेगा दूसरों के कंपैरिजन में। These will survive more and hence are selected by nature. और ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे और नेचर इन्हें सिलेक्ट करेगा, नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहते हैं। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव फिट है, इसका मतलब है कि वो एनवायरमेंट में और बेहतर तरीके से फिट होगा और ज्यादा प्रोजेनी लीव करेगा, ज्यादा चिल्ड्रन लीव करेगा दूसरों के कंपैरिजन में, और इससे क्या होगा, ज्यादा सर्वाइवल जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। और इस चीज को कौन सिलेक्ट करता है? नेचर, ओके, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन, और ये एक तरह से इवोल्यूशन का मैकेनिज्म माना गया था। In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. अब कुछ नए नए टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगे थे, और जितने भी एग्जिस्टिंग, जो भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे थे सारे के सारे, उनमें सिमिलैरिटीज मिल रही थी, और सिमिलैरिटीज के साथ जो एंसेस्टर्स थे, वो भी कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो उनके बीच में शेयर हो रहे थे। मतलब सिमिलैरिटीज तो मिल ही रही थी एक जैसी, प्लस एंसेस्टर्स भी उनमें कॉमन देखने को मिल रहे थे। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लेकिन ये जो एंसेस्टर्स थे, ये जो बेसिकली एंसेस्टर्स आप समझ सकते हो पूर्वज, अगर मैं कहूँ, ओके, तो ये जो एंसेस्टर्स थे ये अलग अलग पीरियड्स पे प्रेजेंट थे। अगर मैं अर्थ की हिस्ट्री की बात करूँ तो अलग अलग स्पैन में, अलग अलग पीरियड्स पे प्रेजेंट थे अर्थ पे। The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. तो यहाँ पे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो एक तरह से बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखती है अपनी बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. एक conclusion जो निकल के आया था वो ये था कि Earth बहुत पुरानी है. Thousand of years नहीं कह सकते, जैसे हम पहले कह रहे थे कि 4000 साल पुरानी है, ऐसा नहीं है. Earth जो है वो billions of years old पुरानी है. तो ये एक conclusion निकल के आया था. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.